खबरों में आगे, नू हिंसा मामले में बजरंग दल से जुड़े बिट्टू बजरंगी को नू जिले की सीआईए तावड़ू टीम ने गिरफ्तार किया है। नू के थाना सदर में संगीन धाराओं में बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया। एएसपी ऊषा कुंडू की शिकायत पर नू पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया। नू सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर और कई आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो एफआईआर में 148, 149, 353 धाराएं शामिल हैं। आम सेट की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ 395, 397, 506, 509 धाराएं भी शामिल हैं। बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस सिविल ड्रेस में बिट्टू के घर पहुंची थी और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया। और उनमें से 15-20 सीआईए वाले थे जिन पे लाठी डंडे वगैरह थे और जो बिट्टू बजरंगी भाई को उठा के ले गए। वहां पे माहौल एकदम ऐसा बनाया गया था कि जो सिविल ड्रेस में थे तो लोग बाग यहाँ के तो पड़ोसी थे, जाने की कोई बदमाश आगे वैसे आगे, पर वो गाड़ियां पीछे खड़ी हुई थी बत्ती की थी। तो में साफ देखी जा रहे हैं जिस तरह से दर्जन भर से ऊपर चाहिए वाले एक साथ आए हैं, लेके गए हैं। तो कौन कौन था उस टाइम? घर में कोई नहीं था, उनकी एक छोटे भाई की मिसिज थी बस, और एक दो पड़ोसी वैसे बैठे रहते हैं, पड़ोसी हम बस ऐसे ही बैठे थे, पड़ोसियों के साथ में बैठे थे, ज्यादा कोई नहीं था यहाँ उस टाइम। ये हमें पता नहीं कि सियाही वाले थे या कोई अदर थे, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 15-20 लोग थे और 3-4 गाड़ियां में आए थे वो। ये कंफर्म नहीं है कि अभी कोई सियाही वाले थे या कोई अज्ञात जो भी बंदे थे, क्योंकि सबके हाथ में लाठी डंडे थे और एक के हाथ में या दो के हाथ में बताया जा रहा है कि हम मौके पे नहीं थे, वैसे जो लोग बता रहे हैं उनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थी। तावड़ू सियाही बताई जा रही है और सर वो हमें नहीं पता इस चीज का कि वो तावड़ू ले गए घर से पकड़ के। अभी घर से वो बिट्टू भाई को ले गए हैं। कैसा माहौल था यहाँ पर? माहौल क्या जी, वो नॉर्मल था वैसे, कोई ना किसी को पता था ना कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन किसी को दी। हमने अभी चौकी में पता कराया, थाने में भी, सारे थाने में पता कराया, वो भी कह रहे हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना कोई नोटिस। अचानक उठा अचानक आए, अचानक ऐसे एकदम से धावा खोल दिया उन्होंने और उठा के के दौरान जो दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ था उसमें बता दें कि उस यात्रा में कुछ लोग अवैध हथियार की लेने की आने की बात बताई जा रही है। उसी में आप बता दें कि उसी मामले में आज बिट्टू बजरंग दे को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें साफ बता दें कि बिट्टू बजरंग दे के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सियाई तावड़ू ने आज उनको फरीदाबाद से उठाया था और पूछताछ के जरिए आज उनको यहां पर रखा जाएगा, क्योंकि अब मैं मौजूद हूं सदर थाने में। सदर थाने में ही उनका मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी कल इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या कुछ इससे तत्व और निकल के आते हैं, कितने और लोग इसमें शामिल थे जिनके खिलाफ इस तरह की मुकदमा दर्ज किया गया है, तो देखना यह होगा कि आखिर बिट्टू बजरंगदेव को क्या कुछ इसमें रोल था, क्योंकि बताया जा रहा है कि अवैध हथियार साथ रखने का आरोप इसमें लगाया गया था। साथ में बता दें कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल की थी उसका भी उसमें बताया जा रहा है। नुहू से सोनोर मंडे न्यूज हरियाणा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, अगर हम बात करें तो ये जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं, क्या कुछ आपके पास ताजा अपडेट है, एक बार वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से देर शाम बिट्टू बजरंगी को तावड़ू सियाही ने नूह सदर में लेकर आए थे और वहां नूह सदर थाने में उनको रखा गया था। बता दें कि नूह सदर में ही मुकदमा दर्ज किया गया था, ओसा कुंडो के शिकायत पे मुकदमा दर्ज किया गया था। आप बता दें कि FI नंबर 413 में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, कम से कम 8 धाराएं इसमें लगाई गई है, जिसमें 385, 332 और 353, 186 और 397, 506 और आर्म्स एक्ट के
धाराएं इसमें लगाई गई है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और आज उन्हें नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिट्टू बजरंगी को आज रिमांड में भी पुलिस ले सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिर कितने दिन का रिमांड बिट्टू बजरंगी को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखना है कि अभी फिलहाल जो बिट्टू बजरंगी को सदर थाना में रखा गया है तो पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही बता दें कि सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं कि जिस तरह से ताउडू सीआई ने फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया था उसके बाद काफी देर तक पूछताछ की गई थी। और वही आप बता दें कि जब जिस टाइम में बिट्टू बजरंगी को सदर थाना लाया गया तो वहां पर किसी भी मीडिया कर्मी को आने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये गुप्त तरीके से ये कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि आज देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें आता है, क्योंकि जिस तरह से आज जैसे हिसाब से बिट्टू बजरंगी को उठाया गया था उस हिसाब से आज इनको कोर्ट पेश किया जाएगा और देखते हैं कितने दिन का रिमांड इसमें कोर्ट देती है। जी बिल्कुल, ये बहुत आपने अहम बात कही कि कितने दिन की रिमांड पर कोर्ट उन्हें भेजेगी। लेकिन अभी जो बड़ी बात ये जनता जानना चाह रही होगी सोनू, वो कि नू हिंसा भड़काने का जिस प्रकार का इन पर आरोप लग रहा है, दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है, तो इस समय क्या बिट्टू बजरंगी के जो समर्थक हैं वो क्या कुछ रुख अख्तियार किए हुए हैं और कितनी सुरक्षा व्यवस्था में आज पेशी होगी बिट्टू बजरंगी की? जी बिल्कुल, बता दें जिस टाइम ताउडू सियाई इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार करके लेकर आए थे लेकिन उस टाइम ये पता नहीं चला कि कौन सी पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेकर आई, लेकिन अब उनको पता लग गया कि ताउडू सियाई इसको गिरफ्तार करके लेकर आई है और वही सदर थानों में इसे रखा गया है। तो बताया जा रहा है कि कुछ जो बिट्टू बजरंगी के जो समर्थन है वो आज यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि आखिर बिट्टू बजरंगी को कौन सी पुलिस यहाँ से पकड़ के लेके गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी सामने आ रहा है कि उनके जो समर्थन आज यहाँ पर आ सकते हैं कि सचिवालय में वो आ सकते हैं, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से ये मामला हुआ था क्योंकि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी तो अब उनको धीरे धीरे जानकारी मिली है। तो वो सुनने में आया कि आज वो कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाएंगे और बता दें कि पूरी सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं, पूरी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। जिस हिसाब से जिस टाइम बिट्टू बजरंगी को पेश किया जाएगा तो पुलिस का 4-5 गाड़ियां साथ रहेंगी, तब उसको लेकर जाएगा। तो अभी देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ इसमें आता है क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि 11-12 बजे इनको बिट्टू बजरंगी को यहाँ से पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक जानकारी हमें अभी नूह के ताज़ा हालातों के बारे में भी सोनू हमारे दर्शकों को दीजिए और ये भी बताइए कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर गिरफ्तारी के बाद अब क्या अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी बिट्टू बजरंगी से जुड़े हुए जो लोग हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी फिलहाल जिस हिसाब से 31 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अगर जिले की बात करें तो काफी शांति का माहौल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि बाजारें सारे खुल चुके हैं। वहीं अगर बात करें सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और वही बता दें कि जिस तरह से अभी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था कि अन्य लोग भी तस्वीर है, अन्य लोग भी इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो नाम है वो सामने नहीं आए, वो तो अभी देखना होगा क्योंकि अभी एक बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी इसमें हुई है। वही बता दें कि अभी जैसे ही अगर रिमांड पर ले जाते थे कौन और लोग तो शामिल थे तो उसका उजागर तो बाद में हो पाएगा क्योंकि अभी पुलिस भी इसमें कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि एसपी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में कर सकते हैं। तो देखना यह होगा क्या कुछ इसमें निकल जाता है, कौन और लोग थे जो 10-12 लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से।